हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास। एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर लास्ट क्लास अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाट टाइप ऑफ अ पाथ अ प्रोजेक्टाइल है। सो इट्स पाथ इज पैराबोलिक, बट टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइक व्हेन वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट at an angle from the horizontal direction other than the vertical direction, it moves on a curved path according to the definition of projectile motion. So it must have the maximum height during the motion and it cover a horizontal distance also in between the level of projection to the level of landing, and also it have some time for the flight. So we are going to discuss about the maximum height attained by the projectile, the horizontal range covered by the projectile, and the time of flight of the projectile. So be with me till the end of a class. Let's restart our class. So जैसा कि हम लोगों को अपनी लास्ट क्लास से क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल एंड दिस इज अ पॉइंट ओ। अगर हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो कर रहे हैं अदर देन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब जस्ट 90 थ्रो ना करके किसी और एंगल पे, तो ये कैसा पाथ फॉलो करता है? ऐसा पाथ फॉलो करता है। ओके, तो आप देखा कि ये ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है। ये शेप कौन सा है? पैराबोलिक शेप है, तो इसका पाथ भी हमें पता है क्या होता है। पैराबोलिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। सो वी कैन अज्यूम द ग्राउंड डायरेक्शन एज ए एक्स हॉरिजॉन्टल एंड दिस एज ए वर्टिकल। तो यहाँ हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे मोशन को ध्यान से देखिए तो इसमें एक पॉइंट जो ये पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल देन द अदर पॉइंट्स ऑन द पाथ। इस पाथ पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब में ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट है ग्राउंड लेवल से। फॉर द हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई ए प्रोजेक्टाइल। ओके, नाउ दिस इज द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है बॉडी को और ये इसी लेवल पे रिटर्न्स बैक हुआ है ग्राउंड पर आके यहाँ। तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑन द सेम लेवल, इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। और तीसरी चीज, जब हमने यहाँ से इसको थ्रो किया है और ये उसी लेवल पे आके लैंड करेगा तो इसके बीच में कोई टाइम भी होगा, उस टाइम तो लगेगा ना, जब तक ये फ्लाइंग कंडीशन में रहेगा, मीन जब तक ये एयर में रहेगा। यहाँ से थ्रो किया ग्राउंड लेवल पर, यहीं वापस आया है, तो कितने टाइम तक ये एयर में रहा है? इट इज नेम्ड एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो किसको नोटिस करेंगे? टी से। तो ये तीन चीज़ें आज के क्लास में हमें पहले कैलकुलेट करनी है रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, और इनमें हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो सबसे पहला पॉइंट आज का जो है हमारा, वो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ओके, मैक्सिमम हाइट। तो अब यहाँ दो कंडीशंस पहले बात कर लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और एक बार फिर से सुन लीजिए। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करते हैं विद इन इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी सपोज कर लेते हैं यू, इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज यू एक्स एंड दिस इज यू वाई, मीन द कंपोनेंट यू एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द कंपोनेंट यू वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मोशन। और यहाँ से जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक ही हाइट अटेंड कर रहा है, इसके बाद तो इसने हाइट अटेंड करना बंद ही कर दी, मीन्स इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे आके जीरो हो गई। कौन सी रह गई? अब ये आगे बढ़ रहा है और नीचे आ रहा है,
ठीक है, तो आगे बढ़ने पे इस पॉइंट पे इसका मतलब इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ मैं फिर से नोटिस कर देता हूँ, हेयर द वेलोसिटी इज वी एक्स, और यहाँ पे जो अगर वर्टिकल हम सपोज करें वी वाई होगी, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे। कैसे? फ्रॉम बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ये इक्वेशन है जनरली, माइनस इसलिए यूज किया कि मोशन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब हम यहाँ अगर यूज करें हेयर, यहाँ की कंडीशन में ये जो v है, v इक्वल्स टू क्या है, वी वाई है, मीन फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, और ये जो u है ये है यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और ये जो h है वो है कैपिटल H। लेट मी सपोज द कैपिटल H इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल, सो इन टर्म्स को हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, और ये भी हमें ऑलरेडी पता है एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इक्वल्स टू जीरो, सो दिस टर्म इज जीरो। यू वाई मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी आपको याद आ गया होगा कि यू एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या होता है यू साइन थीटा माइनस टू जी एच। नाउ वी कैन सॉल्व इट, टू जी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल। और इससे भी ज़्यादा अगर करना है तो हम क्या कर दें, अगर हम यह कंडीशन अप्लाई कर लें, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन साइन 90 डिग्री इज 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो इस फॉर्मूले में दिस कैन बी रिटन एज एच मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई ए प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। ओके, जनरली प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट यही है। पहले मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई ए प्रोजेक्टाइल जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 90 एंगल पे थ्रो नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, तब ये कर्व पाथ पे मूव करता है। और अगर आपने तो ये तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल है, लेकिन जनरली अगर आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले में जब हम वर्टिकली थ्रो करेंगे तो एंगल 90 हो जाएगा, बट ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई एनी ऑब्जेक्ट थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। सो अब क्या करते हैं, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड थिंग हमें फाइंड करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम जीरो इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल। मतलब लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट की हाइट जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती हो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट हो गया, तो नेक्स्ट होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मींस द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत सिंपल सी बात है, जब तक कि प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा उसको हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। दूसरी बात, द टाइम इन बिटवीन द पोजिशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन लेवल टू द लैंडिंग पोजिशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और जहाँ पे लैंड किया गया है सेम लेवल पे प्रोजेक्शन पे। मीन्स ये ऐसे भी तो हो सकता है, आपने इसको यहाँ से थ्रो किया और ये ऐसे आ जाएगा, तो प्रोजेक्शन लेवल ये यहाँ तक की बात हो रही है, इतने टाइम की, वहाँ तक जाने की नहीं, ठीक है, उसी लेवल तक वापस रिटर्न्स बैक। द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न्स बैक द सेम लेवल एज द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जिस लेवल से आपने थ्रो किया है उसी लेवल पे वापस आने में जो टाइम लेगा वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो सिंपल सा है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फॉर्मूला,
यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फ्रॉम बी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ओके, तो डायरेक्टली हम ये टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। रीजन, दिस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हैज अ टू सेगमेंट, इसमें दो सेगमेंट हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आया है। तो ये दो मोशन इन्वॉल्व है, पहले ऊपर जाने का, फिर ऊपर से नीचे आने का। लेकिन फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ डेली लाइफ वी नो दैट द टाइम टेकन बाई ए ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इज सेम इन बोथ द पार्ट्स, मीन्स लेवल ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाइएस्ट पॉइंट एंड हाइएस्ट पॉइंट टू द लेवल ऑफ पोजिशन। मतलब जितना टाइम कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट को अटेंड करने में लेगा, उतना ही टाइम उस हाइट से वापस उसी लेवल पे आने में लेगा। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जस्ट हाफ टाइम कैलकुलेट करेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ ये जो टी हमने सपोज किया है, लेट टी विद द टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल to reach the maximum height तक पहुंचने में जो टाइम लिया है तब, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है फाइनल, इनिशियल यू वाई होती है विच इज यू साइन थीटा माइनस जी टी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, जी टी को इधर ले लें, तो टी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारी टी की वैल्यू हो गई। और ये क्या हो गया, हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और इतना ही टाइम ही यहाँ से सेम लेवल पे वापस आने में लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ से देखते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। नाउ देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट t equals to 2t, that is 2u sin theta upon g, that t equals to 2u sin theta upon g, this is the formula of time of flight of a projectile। तो अब हमने दो फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए हैं, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई ए प्रोजेक्टाइल एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब एक पॉइंट और बचा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाई ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यू कैन नोट डाउन दिस बाय वॉचिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक टाइम ऑफ फ्लाइट में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वही इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से लेवल ऑफ लैंडिंग के बीच में जो टाइम लगा है वो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इस टाइम में इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था। इसको अगर हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज करिए टी पॉइंट ले लेते हैं, तो ओ टी हमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वी हैव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज ए यू एक्स एंड द टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बाई मल्टीप्लाइंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, सो लेट Let capital R be the horizontal range. Then R is equals to horizontal velocity into time of flight. Okay? तो
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है टी, यू एक्स की वैल्यू क्या होती है यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू क्या है टू यू साइन थीटा अपॉन जी बाई मैनेजिंग इट। इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा कैसे, यू मल्टीप्लाई बाई यू यूज यू स्क्वायर और इट कैन बी रिटर्न एज टू साइन थीटा कॉस थीटा द रिमेनिंग टर्म डिवाइडेड बाई जी। तो इसको ध्यान से देखिए, कुछ फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। सो वी हैव आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। अब जैसे हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट की है, ऐसे ही हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं इफ, ये हमें पता है मैक्सिमम कब होगी, किसी भी इक्वेशन में कोई क्वांटिटी लेफ्ट साइड क्वांटिटी मैक्सिमम कब होती है, जब राइट साइड में आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू वन हो जाए। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कह रहा है साइन टू थीटा, और ये वन कब होगा जब इसकी वैल्यू 90 हो, तो मीन्स थीटा कितना होना चाहिए, टू थीटा को 90 होने के लिए थीटा को कितना होना चाहिए 45 डिग्री। सो एफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन टू थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज वन। नाउ द आर इज मैक्सिमम नाउ एंड कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर अपॉन जी, ओके ये फॉर्मूला रह जाएगा साइन टू थर्ड। तो इसका मीनिंग एक चीज़ और आपको क्लियर हो गई, टू फाइंड और टू अचीव द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बाई एन प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट वी हैव टू थ्रो द गिवन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अटेंड कराने के लिए 45 डिग्री पे थ्रो करना चाहिए, और ये हमें सिखाया भी जाता है बहुत सारे गेम्स में, जैसे डिस्क थ्रोइंग गेम में, ठीक है आपको ये सिखाया जाता है कि 45 पे अगर आप थ्रो करते हैं तो नो मैटर कौन हेल्दी है कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, अगर जिसका इंक्लाइनेशन परफेक्ट है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड करवा सकता है, ओके। और एक यहाँ शॉर्ट रिलेशन भी अगर हम देख लेते हैं, एंड आल्सो वी कैन राइट, हमारे पास में अभी दिखाता हूँ आपको, एच मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेट किया था वो था यू स्क्वायर अपॉन टू जी, अगर इसको हम टू से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ओके। तो एच में जब हम टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, आर मिल रही है, तो मीन्स हम ये लिख सकते हैं एच मैक्सिमम इक्वल्स टू टू, सॉरी एच मैक्सिमम इक्वल्स टू आर मैक्सिमम, सॉरी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू टू इंटू एच मैक्सिमम, ओके। आर मैक्सिमम आपका कितना आया यू स्क्वायर अपॉन जी, और अगर ये एच मैक्सिमम की वैल्यू ये इसमें हम टू मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ही हम टू मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा जो आर मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट रिलेशन भी है, ओके। तो ये टर्म है। अब इस प्रोजेक्टाइल के मोशन जो आपने 12th स्टैंडर्ड पे 11th स्टैंडर्ड पे रीड करना है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, हमने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया है, क्या बताया है, दिस मोशन इज अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मोशन जो है जो हमने अज्यूम किया है इस कॉन्सेप्ट में, वो हमने अज्यूम किया है कि ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और मस्ट बी रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर द कंडीशंस, ओके। तो यहाँ लिमिटेशंस हैं आ गई, कौन कौन सी लिमिटेशंस आ गई, नंबर एक की बात करते हैं। सबसे पहली बात जो हम करते हैं, हमें पता है कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर प्लेस पे कॉन्स्टेंट नहीं है, जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं अर्थ से तो भी ये डिक्रीज हो जाती है, और जब बहुत नीचे जाते हैं बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ तो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट अटेंड द लार्ज हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट अटेंड नहीं करनी चाहिए जिससे कि ग्रेविटी बदल जाए। ग्रेविटी को कांस्टेंट रखना है इस मोशन इन फॉर्मूले को यूटिलाइज करने के लिए, ये तभी वैलिड है। दूसरी चीज, द हॉरिजॉन्टल रेंज शुड नॉट बी वेरी लार्ज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी बहुत लार्ज ना हो, अदरवाइज ये पाथ पैराबोलिक नहीं रहेगा, ये पाथ एलिप्टिकल हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते चले जाइए तो ये एलिप्टिकल शेप आ जाएगा पैराबोलिक की जगह, ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। और एक लिमिटेशन और है, वो लिमिटेशन कौन सी है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये भी अज्यूम किया है द रेजिस्टेंस ऑफ
एयर इज नेग्लिजिबल इन दिस ऑल कैलकुलेशंस. यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ऑफ एयर को कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया है, उसको नेग्लेक्ट किया है. तो एक लिमिटेशन ये भी है, द इनिशियल वेलोसिटी शुड बी अंडर अ लिमिट. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी रेजिस्टेंस ऑफ एयर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और एक सिचुएशन में वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा. ये बात आप डेली लाइफ में भी फील कर सकते हैं. अगर आप कोई बाइसिकल ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप स्लो चला रहे हैं तो आपको एयर का अपोज कम लगता है, लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, तो आपको एयर का एक रेजिस्टेंस, एयर का अपोजिशन महसूस होता है. तो इट मीन जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं रहेगा. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. द वेलोसिटी शुड नॉट बी वेरी लार्ज, द हाइट शुड नॉट बी वेरी लार्ज, द रेंज शुड नॉट बी वेरी लार्ज. मतलब तीनों में से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक और विद सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन. Till then, enjoy and goodbye.